नमस्कार साथियों, मैं रिकॉर्डिंग क्लब अजमेर से जयवंती आसवानी एक बार फिर आप सबके साथ हूँ। शुक्रवार 25 जनवरी 2019, साल का चौथा शुक्रवार, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 32 लेकर। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ साथियों कि आप ग्रुप में आने वाली सभी चीज़ों को सुन रहे हैं और हम तक अपनी प्रतिक्रियाएँ भी पहुँचा रहे हैं। आज का जो इतना व्यस्त जीवन है उसमें भी हम कुछ क्षण अपने परिवार के लिए निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ साथियों ने जैसा कि कहा कि रिकॉर्डिंग क्लब जो है वो हमारे एक परिवार की तरह है और इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है कि यह सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हमारा परिवार है। चाहे हम एक दूसरे से कितने भी दूर हैं, अलग अलग शहरों में हैं, अलग अलग राज्यों में बसे हुए हैं, लेकिन ये एक छोटी सी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा सजग रहते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारा उत्साह जो है काम के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहते हैं ना हमेशा कि दुख बांटने से आधा हो जाता है और खुशियाँ दुगनी हो जाती है, तो सच्चाई यही है कि दुख वास्तव में बांटने से बहुत आधा हो जाता है। ये आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे महसूस हुआ, आपकी दुआओं का ही असर है कि आज मैंने सफलता के इस मुकाम को छुआ है। और कोई भी समस्या अगर जीवन में आती भी है तो वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है। निश्चित है जिसका इतना बड़ा परिवार हो उसके आगे तो हर समस्या को हारना ही पड़ेगा। तो साथ ही शुरुआत करती हूँ पार्ट 30 जहाँ समाप्त किया था वहीं से। वो शाम का समय था और मैं स्कूल गई थी। स्कूल के दो गेट थे और दोनों पर ही कोई गार्ड नियुक्त नहीं था। मैंने गेट खोलकर और अंदर प्रवेश किया तो हॉस्टल की तरफ मुझे कुछ स्टूडेंट दिखाई दिए। उस समय भोजन का समय था शाम का, तो सभी अपने भोजन लेने में व्यस्त थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो अलग से ग्रुप बनाकर खड़े थे, मैंने उनसे बात की और स्कूल के बारे में जानकारी ली। तो पता चला कि इस तरफ हॉस्टल है, ये स्कूल है। और यह उस समय वहाँ पर अजय जी रीडिंग करवाने आते थे, तो मैंने भी स्टूडेंट से अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी स्कूल में रीडिंग करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं आ सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट जो हैं मेरे घर आ जाएं, क्योंकि मेरा घर भी बहुत पास है, स्कूल की और दीवार एक ही है घर की, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो स्टूडेंट ने कहा कि अगर आप यहाँ आकर पढ़ाते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ शांति रहती है और क्लास भी अवेलेबल हो जाती है पढ़ाने के लिए, और घर पे आने में थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट होगा इच्छुक तो हम उसे बता देंगे और आपके पास भेज देंगे। उस दिन तो बस इतना ही हुआ कि स्टूडेंट से बात हुई और मैं वापस घर आ गई। और कुछ दिनों क्या बल्कि कुछ महीनों तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं मिली स्टूडेंट की तरफ से और ना ही कोई मेरे पास पढ़ने आया। अब मुझे भी एक झिझक हो रही थी कि वापस स्कूल जाऊं या ना जाऊं या कुछ और इंतज़ार करूं। तो उन दिनों अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर में साथियों क्योंकि शादियां बहुत होती हैं, मैं सिलाई का काम करती थी तो मेरे पास काफ़ी काम था। तो मैंने सोचा चलो अभी कुछ दिन तक अपन रीडिंग का विचार जो है वो त्याग देते हैं, तब तक शायद कोई सूचना मुझे स्कूल की तरफ से मिले और ये जो काम है सिलाई का उसे भी पूरा कर देते हैं। और इस तरह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना भी निकल गया, लेकिन कोई सूचना मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन मैडम से ही मदद लूं जिन्होंने कि मुझे ये सलाह दी थी कि आप स्कूल में संपर्क कीजिए। तो एक बार मैं उनसे भी मिलने गई,
लेकिन बड़ा ही अस्पष्ट उत्तर उन्होंने मुझे दिया, जैसा कि वो मेरी कोई मदद नहीं करना चाह रहे थे। तो वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस काम को शुरू करूं, क्योंकि कोई ना कोई काम तो मुझे करना ही था। और सिलाई में करती थी हालांकि, लेकिन वो मेरी रुचि के अनुसार काम नहीं था। बस वो करना एक यूँ समझिए कि मेरी मजबूरी थी, तो मुझे करना पड़ता था। लेकिन अब रीडिंग के लिए क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद क्योंकि स्कूल हमारे घर के बहुत पास थी, तो जब भी मेरा स्कूल के आसपास से निकलना होता तो मैं स्टूडेंट से बाहरी रीडिंग के लिए ज़रूर बात करती कि अगर कोई भी स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। लेकिन शायद इस काम में अभी समय लगना था, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे नहीं मिला, एक भी नहीं। उसके बाद 2002 में मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कॉलेज के स्टूडेंट था वो। मुझे नाम तो उसका याद नहीं है, लेकिन इतना पता चला, उन्होंने बताया कि स्कूल में से ही किसी स्टूडेंट ने उन्हें मेरे बारे में जानकारी दी थी, तो वो मेरे पास पढ़ने आए थे। लेकिन बहुत लेट नवंबर दिसंबर ही वापस आ चुका था 2002 का, और अप्रैल में क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए तो उन्होंने वापस रीडिंग छोड़ दी। इस बीच जनवरी माह में मैं स्कूल गई थी एक बार, और तब मैं ओम प्रकाश चौधरी नाम के एक स्टूडेंट से मिली। उनसे मैंने बात की थी रीडिंग के लिए, तो उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि हाँ, अगर कोई स्टूडेंट होता है तो हम आपके पास भेज देंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये कहा उस समय कि देखिए, जनवरी का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल में पेपर हो जाते हैं और उसके बाद सब स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं, और जनवरी तक तो सबके स्थायी रूप से रीडर हो चुके होते हैं, तो मुश्किल है कि आपको कोई रीडर इस समय नियुक्त करे। आप जुलाई में एक बार ट्राई करो, क्योंकि जुलाई में बच्चे बोर्ड क्लास में भी आते हैं और नए बच्चे भी आते हैं, तो हो सकता है कि शायद आपको बैच मिल जाए। तो साथियों, जुलाई तक की तो उम्मीद जो है मैं ख़त्म कर चुकी थी कि मुझे कोई बैच मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बीच एक आध स्टूडेंट कॉलेज के, जैसे सूरज नाम का स्टूडेंट था, और जैनित भी स्कूल में था जिससे कि मैंने रीडिंग कराई थी, एक एक स्टूडेंट के रूप में चलता रहा। और उसके बाद 23 मई 2003 मेरी छोटी बेटी सलोनी का जन्म हुआ, और एक बार फिर से काम की व्यस्तताएं मेरे लिए बढ़ गई, तो रीडिंग की तरफ निश्चित रूप से मैं ध्यान नहीं दे सकती थी क्योंकि बेटी छोटी थी अभी और हर्षिता भी छोटी ही थी। ताकि जुलाई में हर्षिता ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था, तो अब उसके होमवर्क का वर्डन भी मुझ पर था, सिलाई का जो काम था वो चल ही रहा था, तो मैंने कहा चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे फिर भी, क्योंकि पास में स्कूल है तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को छोड़ के शाम के समय परिवार के सभी लोग घर रहते हैं तो पढ़ाने जा ही सकते हैं। अच्छा, हमारे परिवार में ये था कि आप कोई भी काम कीजिए बाहर, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। घर का जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो आपको पूरी तरह से उनका निर्वाह करना है। और इस बीच हम जहां रहते थे उस जगह और भी पोषण थे किराए के, तो वहां पर दो स्टूडेंट रहने आए थे, जिनमें से एक थे बुद्धा जी और एक बस्ती राम जी, जो कि वर्तमान समय में शिक्षक बन चुके हैं। वो जब वहाँ रहने आए तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक मैम आती थी, सरोज मैडम नाम था उनका, और वो स्कूल में भी मैम रीडिंग करवाने जाते थे। तो मैंने उनसे भी ये कहा था रीडिंग के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट हो तो आप मुझे बता देना, और उन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर कोई होता है, ज़रूरत होती है रीडर की, तो हम आपको बता देंगे।
उन्होंने भी हालांकि कोशिश की, लेकिन उस समय तक भी कोई रीडिंग के लिए बैच मुझे स्कूल में नहीं मिला। कभी-कभी ऐसा लगता था कि कितना टाइम हो गया कोशिश करते हुए स्कूल में। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आते हैं उन्हें भी मैंने कहा, लेकिन एक भी बैच मुझे नहीं मिल पा रहा है। और उन्हीं दिनों मैंने सरोज मैडम को देखा रिकॉर्डिंग करते हुए। फ्लिप्स का टेप था उनके पास और उसमें वो कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करते थे। तो जब मैंने उनको देखा तो मेरे लिए ये नया अनुभव था। आज से पहले कभी ऐसा काम ना तो देखा था और ना सुना था। तो बड़ा अच्छा लगा ये काम भी कि किसी भी समय हम कर सकते हैं। और सबसे अच्छा लगता था कि किताबें पढ़ सकते हैं। ना जाने क्यों किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक था कि इस बहाने तो पूरी किताब इंसान पढ़ ले, मतलब कितना अच्छा है ना ये काम। लेकिन मेरे पास नहीं है। और मैंने उनसे रिकॉर्डिंग के लिए भी कहा तो भी उन्होंने मुझे ये कहा कि हाँ अगर मिलती है तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। शायद वो भी मेरे लिए करने में असफल रहे, नहीं मिला उन्हें कोई भी काम मेरे लिए। और फिर यूं ही समय निकलता रहा। एक एक स्टूडेंट कभी कॉलेज के घर पे आते और मैं उन्हें रीडिंग कराती थी बखूबी, और उन्हें अच्छी भी लगती थी रीडिंग। उसके बाद फिर 2006 31 जुलाई मेरे बेटे का जन्म हुआ, विवेक आसवानी का। और तब तक भी कोई बैच मुझे नहीं मिल पाया। और मैं अपने बच्चों की परवरिश में ही समय दे रही थी। अच्छी बात थी ये, क्योंकि एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को पूरा समय दें। लेकिन बस यूँ समझिए कि उस समय रीडिंग का काम ढूँढना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी वो उन जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ होते हुए भी गैर जिम्मेदार था। तो सारी जिम्मेदारियां मुझ पे थी और मुझे किसी ऐसे काम की तलाश थी जिसे कि मैं मन से कर सकूं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, और वो हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसा ना हो कि कुछ महीनों तक ये काम किया और फिर वापस फ्री, जैसा कि कॉलेज स्टूडेंट्स में होता था। वो जनवरी या दिसंबर के आसपास मुझसे रीडिंग करने आते थे, वो भी 1 वीक्स की, और अप्रैल में उनके पेपर हो जाते थे, उसके बाद फिर ख़त्म। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं रीडिंग जो है स्टूडेंट ढूंढूं और अपने बैच बनाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं था ये। बहुत कोशिशें करने के बाद, सबसे बात करने के बाद भी ना जाने क्यों मैं स्कूल में स्टूडेंट से नहीं जुड़ पा रही थी। और मुझे लगा 2007 की बात है कि शायद मुश्किल है, रुचि के अनुसार तो मैं कभी काम नहीं कर पाऊँगी और एक एक स्टूडेंट को पढ़ाने से क्या होगा। तो उस समय मैंने अपना विचार बदल दिया रीडिंग करने का जो था, और मैंने सोचा था कुछ और अपना काम शुरू करते हैं जिससे कि आर्थिक आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी हो सके। तो राजस्थान में जो महिलाएं होती हैं वो ओढ़नी ओढ़ती हैं, और उन ओढ़नियों पे कसीदा किया जाता है। उस ओढ़नी को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है लुगड़ी। तो मैंने सोचा कसीदे का काम ऐसा है कि वो 12 महीने ही शुरू रहता है, तो क्यों ना मैं कसीदा सीख लूँ और उसकी मशीन लेकर और मैं कसीदे का काम स्टार्ट करूँ। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि कसीदा सीखने के लिए भी धन की आवश्यकता थी, प्लस मशीन खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता थी, और ये मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने अपने पापा से बात की, तो मेरे पापा तो किसी बात के लिए मना करते ही नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ तुम सीखो और मशीन भी हम दिला देंगे,
तुम्हारा काम अगर सुचारू रूप से चल सके तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही है ना। लेकिन जब हम कपड़ों का काम करते हैं तो हमें घर में अलग जगह की ज़रूरत होती है, ताकि वो कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे रहें। तो उस समय बच्चे मेरे छोटे थे, तो मेरी मम्मी ने कहा कि मशीन जो होती है कसीदे की, उसके लिए बहुत जगह की आवश्यकता होती है, एक अलग रूम चाहिए होता है। और क्योंकि ओढ़नियाँ भी बहुत बड़ी होती है, फिर उनको सेफ रखना, और एक भी अगर ओढ़नी में ज़रा सा भी दाग लग जाता है तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, और उस मशीन में आवाज़ भी बहुत होती है, तो क्या तुम ये काम कर पाओगी। अब उनकी इन सब बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मम्मी ने जो कहा वो सही है, क्या ये काम मैं कर सकती हूँ या नहीं। क्योंकि घर में समय दो रूम थे, और एक रूम में तो बैठक होती थी, और दूसरा रूम जो था वो बहुत छोटा था, उसमें इतनी जगह नहीं थी कि मशीन जो है वो सेट की जाए। अब असमंजस की स्थिति थी, कुछ दिन तो इसी उधेड़ बुन में ही लगी रही कि करूं या ना करूं। अब उसके बाद मैंने ये कसीदे का काम जो था स्टार्ट किया या नहीं किया, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने अगले पार्ट द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब 33 में। तब तक के लिए साथियों, अलविदा।